गाइस हम हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। भाई तो मुझे और देरी बहुत बड़ी बात है। भाभी जी का भी ख्याल रखना है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी बजे सुबह के 8:30 और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने इस पुराने घर से। सो गाइस, ये देखो, दिस इज माय ओल्ड होम जो कि अब पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। बाकी ये हमारे एक स्टोर रूम सा बन गया है। बाकी गांव में पहले ऐसे 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 वाले घर होते थे, ऐसे एक कमरा इधर एक कमरा नीचे। बाकी ये भी हमारा ही घर है, मतलब दादी औरों का, तो मतलब दोनों कम्बाइंड था। बाकी अभी बजे हैं 8:30 और आज हम जाने वाले हैं धारा पूजन करने। बाकी जैसे कि आपने कल देखा था शादी में कि राहुल भैया जी की शादी थी, तो हम बारात गई थी चोपता, तो यस आज उनका धारा पूजन है। तो गांव में ये सीन होता है कि जो भी नई दुल्हन आती है ना, तो उसका सबसे पहले धारा पूजन करने के लिए जाते हैं और वो घाघर पे पानी लेके आते हैं। तो यस अभी चलेंगे धारा पूजन करने। बाकी आपको सभी मेहमानों से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे और ख़ासकर राहुल भैया से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, उनका एक्सपीरियंस। बाकी आपको नई भाभी जी से भी मिलाएंगे क्योंकि कल तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था। तो यस अभी इस साइड है राहुल भैया का घर, तो हम चलेंगे धारा पूजन करने। जो भी एक्टिविटी होगी हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए बाय। कहाँ से खाली अंदर? ये रहा यहाँ पे रीति होगी, यहाँ का थोड़ा बहुत फेमस ब्लॉगर है और मत ही नहीं बोलता क्या ले चल। अब गाइस हम हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चिरका भर पता नहीं क्यों यार। ये परंपरा है। और ये हमारी तन्नू दीदी जो कि सब किचन का चिप करना लाए पार वीडियो बनाओ लो कहेगी तो फोन दे मेरा ऑलवेज यार। मेलाड तू तो लड्डू खान के ना 3 साल विच और नॉन स्टॉप बन जाता है अरे हमारे कैमरामैन पूरे जाखल एरिया में, बस हमारे चाचा जी का कैमरा जलवा है हमारा। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके लोकेशन पे। अरे देखो पूरी जाखल पलटन, अरे हमारे राहुल क्लियर चार एआई एनहांस करिए मैं एआई का बेचारे मैच पर फिर भी सुत ही अच्छा तो गाइस ये हमारे सूरज भाई, और गांव में जितनी भी शादी होती है ना, तो ये घाघर देख रहे हो आप, घाघर लाने का जमा इनका ही पास होता। क्यों
एक्सपीरियंस है ना। आगे चल। और गाइस ये हमारी मकानी बुआ, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी कई बार बताया है कि ये हमारी मकानी बुआ है और सबसे हसमुख बुआ है। और कहाँ है तुम्हारे ससुराल, फिर से बोलो। नारी है ना, यस। आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ी देर पहले बोल रही थी ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। बस बस आजा। तो गाइस इनसे मिली, ये हमारे दूल्हे राजा राहुल ब्रदर्स, आओ ना आगे। तो पिछले 2-3 दिनों से तो हमको टाइम मिला नहीं क्योंकि हमारे राहुल भाई सच में काफी ज्यादा बिजी थे। तो अब पूछते हैं राहुल भाई से कैसा लग रहा है। हमारे राहुल भाई की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, भाभी जी का भी ख्याल रखना है ना। आप हाँ अब बोलो ना कुछ यार, कुछ तो बोलो। इस हमारे गांव की प्यारी प्यारी सीनरी। तो गाइस एक बात बता दूँ कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। और आपको मेरी इसका बहुत बड़ा रीज़न है शादी में डांस। हाँ तो सारी रात हमने किया शादी में डांस। ये दिल को धक्के दे कर के नहीं तो हम को छोड़ के जाना था। चल चल हम पर मकान तो बन था हम मकान तो रहने। हेलो बॉय सब पद मनी कौन गए। शादी तो खत्म हो गई है, बाकी हमारे पास जो काम बचा है वो है ये शादी में बर्तन ले जाने का। सो यस फाइनली गाइस अभी बजे हैं दिन के 2 और अभी जो है पूरी शादी वादी पूरे ढंग से ख़त्म हो गई है। बाकी मेरा हाल कुछ बेहाल है क्योंकि आज जो है मैं अपने घर पे कर रहा हूँ कलर। सो यस इस साइड अपना पूरा कलर कर दिया है। तो यस मैं करता हूँ कलर। आई होप कि आपको ये शादी वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो यस यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।